नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एवेनिस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। शासकीय कोविड सेंटर को बनाए सक्षम। राज्य में कोरोना महामारी ने उग्र रूप धारण कर लिया है। कुछ दिनों पूर्व शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली यह बीमारी आज गांव-गांव तक पहुंचकर उग्र रूप धारण कर चुकी है। गांव में बेरोजगारी ज्यादा है, इससे और कोविड 19 का प्रकोप रहने से आम परिवारों पर संकट आया है। ऐसे में कोविड 19 से पीड़ित मरीजों को सरकारी अस्पताल के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पताल में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध न होने से मजबूरन मरीजों को निजी अस्पताल में जाना पड़ता है, जिससे इसका लाभ निजी अस्पताल ले रहे हैं। जनप्रतिनिधि एवं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सरकार को तुरंत सूचित करते हुए शीघ्र ही ग्रामीण स्वास्थ्य यंत्रणा को मजबूत बनाए जाने ऐसी अपील करने हेतु विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले को ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं दूसरी ओर गोंदिया जिले में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसे जिले में पिछले माह शासकीय मेडिकल कॉलेज व खुले बाजार में रेमडेसिविर इंजेक्शन की काफी किल्लत थी, जिससे जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद प्रफुल्ल पटेल ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को देखते हुए इन इंजेक्शनों को स्वयं देने की घोषणा की थी। इस घोषणा के तत्काल बाद 27 सितंबर को केटीएस जिला स्वास्थ्य अस्पताल के लिए जिलाधीश दीपक कुमार मीना को दो बॉक्स सौंपे गए थे। इसके बाद 13 अक्टूबर को पुना पटेल के माध्यम से रेमडेसिविर इंजेक्शन की दूसरी खेप मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर नरेंद्र तिरपुड़े, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर अमरीश मोहबे को सौंप दी गई है। तो वहीं तीसरी ओर नानार में जमीन खरीदी की होंगी जांच। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार के समय के निर्णयों एवं अनियमितताओं की जांच करवाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से की जा रही है। इसी के तहत विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने कोकर के नानार में जमीन खरीदने के मामले की जांच करने का आदेश दिया है। इस संदर्भ में अतिरिक्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की जानी है। समिति को एक माह के अंदर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइकून इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।